नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं तुला राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 को लेकर के। कैसी ग्रह गोचर स्थिति संपूर्ण वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है, कौन कौन से घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं इस वर्ष 2023 में, कौन कौन सी सकारात्मक स्थितियां आएंगी, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, वो मुख्य ग्रह जिनकी वजह से अचानक से लाभ व हानि हमें देखने को मिलती है, जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर अत्यधिक पड़ता है, उनकी स्थिति आपके लिए कैसी बन रही है वर्ष 2023 में, वो चार माह जिनमें आपको अच्छा लाभ हो सकता है, उन चार माहों की भी हम चर्चा करेंगे जिन माहों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा, और वो चार माह जो आपके लिए सामान्य व्यतीत होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली पर। जब नववर्ष प्रवेश हो रहा था तो ग्रहों की कैसी स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई थी। तो तुला राशि का स्वामी जो कि शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव और शनिदेव की युति चौथे भाव फोर्थ हाउस में बनी हुई थी। शनिदेव के द्वारा उत्तम राजयोग का निर्माण, सस नामक राजयोग का निर्माण आपके लिए बना हुआ है। सूर्य बुध की स्थिति धनुराशि के अंतर्गत पराक्रम के भाव में है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और छठे भाव में स्थित हैं, जबकि राहु और चंद्रमा मेष राशि के अंतर्गत सातवें भाव में स्थित हैं। मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं और केतु तुला राशि के अंतर्गत लग्न भाव में संचरण कर रहा है। ये आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये ग्रह गोचरीय स्थिति नववर्ष प्रवेश कुंडली की है। इस ग्रह गोचरीय स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और इन्हीं से हमारे जीवन को लाभ व हानि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उन मुख्य ग्रहों की जिनकी वजह से हमें अचानक से लाभ व हानि देखने को मिलती है, कैसी स्थिति उनकी बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे राहु और केतु की। वर्ष आरंभ से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके लिए सातवें भाव में स्थित होंगे मेष राशि में, और केतु का संचार लग्न में बना रहेगा। 30 अक्टूबर के पश्चात राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। केतु कन्या राशि के अंतर्गत बे भाव में आएंगे, बारहवें भाव में, और राहु छठे भाव में आकर के मीन राशि में संचरण करेंगे। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि में रहेगी। 17 जनवरी 2023 से लेकर के संपूर्ण वर्ष शनिदेव की स्थिति कुंभ राशिगत बनी रहेगी। शनिदेव पांचवें भाव में स्थित होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत होंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए बहुत ही कारक ग्रह हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं केंद्र त्रिकोण के, तो निश्चित ही इनका परिवर्तन आपके लिए बहुत हद तक मायने रखता है। तो शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। 15 फरवरी से 11 मार्च तक आपके राशि स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे मीन राशि में, छठे भाव में आपके लिए स्थित रहेंगे, जबकि 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2023 तक शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और स्वग्रही दृष्टि से लग्न को देखेंगे, और 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्यदेव मेष राशि में होंगे, उच्च के होंगे लेकिन लग्न पर नीच दृष्टि रहेगी। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए कुछ मुख्य ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, क्या क्या लाभ हानि आपको वर्ष 2023 में देखने को मिलेगी, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं, लगभग वर्ष आरंभ से लेकर 30 अक्टूबर तक सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। केतु लग्न में स्थित हैं, राहु सातवें भाव में स्थित हैं, मारक स्थान सातवां भाव, यहां पर राहु की स्थिति निश्चित ही थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति रहेगी। 17 जनवरी से लेकर के वर्ष अंत तक शनिदेव की सातवें भाव पर नीच दृष्टि भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। तुला राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। यदि आप स्पोर्ट्स से संबंधित तुला राशि के जातक हैं, आप वाहन चलाते हैं, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, आप कृषि के क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, चोट इत्यादि का भय आपके लिए बन सकता है।
यहाँ पर राहु स्थित है तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, और कहीं ना कहीं मुख से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि के जातकों को खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सतर्क सावधान रहना है, और 30 अक्टूबर के पश्चात कुछ स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, अत्यधिक चंचलता है, कार्य क्षेत्र को बार बार चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार यदि परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी, इसलिए स्थिर होकर के एक ही कार्य क्षेत्र को चुनिएगा और उसी कार्य क्षेत्र में मेहनत करिएगा, लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। वैसे तुला राशि के जातक स्थिर स्वभाव के ही होते हैं, लेकिन फिर भी यदि चंचलता हो तो सतर्क सावधान रहिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो पंचम भाव शनिदेव का भाव है, शनिदेव ही यहां पर स्थित होंगे तो स्वग्रही होंगे, निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां बन रही हैं, लेकिन आपको भी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। टाल मटोल करते हैं, आलस करते हैं, किसी प्रकार से चीट करते हैं, जरूर बचिएगा इससे। ईमानदारी के साथ एकाग्रता से अपना अध्ययन करिए, और विशेषकर जो जातक टेक्निकली फील्ड में है उनको विशेष लाभ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, करियर के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा, आर्थिक स्थिति पर शनि की शत्रुवत दृष्टि होगी, बहुत सारा व्यय करेंगे, खर्च करेंगे अपने सुख सुविधाओं पर, इसलिए अत्यधिक खर्च करने से बचिएगा। और तुला राशि के जातक हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में है तो आपको बेहद सतर्क सावधान और चौकन्ना रहना होगा, अचानक से बड़ी हानि होने के संकेत भी आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, तो कुछ मुख्य तथ्यों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। जनवरी से दिसंबर तक की बात करेंगे, संक्षिप्त रूप से हम इस राशिफल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मासिक राशिफल में बृहद रूप से हम चर्चा करते हैं तो मासिक राशिफल जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। तुला राशि के जातक हैं, वर्ष आरंभ से लेकर, यदि तुला राशि के जातक हैं, जनवरी के माह में आपके लिए अच्छी स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी सावधानी बरतें तो निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां बनेंगी। जनवरी का माह आपके लिए अच्छा रहेगा, अपनों के साथ समय व्यतीत करेंगे, कार्य क्षेत्र में स्थिरता तो लाइए, स्थिरता से काम करेंगे, निश्चित ही लाभप्रद स्थिति बनी हुई है, और कहीं यदि आप दिग्भ्रमित हैं तो उससे जरूर बचिएगा। गुप्त शत्रु काम बिगाड़ने का कार्य करेंगे, इसलिए गुप्त शत्रु से भी जरूर बचिएगा। फरवरी की बात करें तो फरवरी का माह तुला राशि के जातकों के लिए भागदौड़ वाला माह जरूर हो सकता है, इस महीने आप अत्यधिक भागदौड़ करेंगे, कुछ यात्राएं आपके व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आपको अपने कार्य क्षेत्र में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी है। माता पिता का सहयोग अच्छा देखने को मिलेगा, शुक्रदेव जो कि आपके राशि स्वामी है, 15 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक उच्च स्थिति इनकी रहेगी, कहीं ना कहीं उच्च स्थिति का लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। विदेशों से संबंधित जो जातक विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, तो विदेशों से संबंधित अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रकार का ऋण था तो उस ऋण से भी कहीं ना कहीं मुक्ति आपको जरूर मिलेगी। मार्च की बात करें तो मार्च का जो प्रथम 2 सप्ताह है वो अच्छा रहेगा, अंतिम 2 सप्ताहों में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति जरूर बन रही है, संघर्ष अत्यधिक हो सकता है, कुछ परिस्थितियां आपके प्रतिपक्ष में खड़ी हो सकती है, ऐसी स्थिति में सूझबूझ के साथ संयमता से कार्य करिएगा। जो आपके सीनियर्स हैं नौकरी के क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में, जो भी आपके कस्टमर हैं उनसे किसी भी प्रकार के वाद विवाद को करने से जरूर बचिएगा। ये माह संघर्ष में स्थिति लेकर के आ रहा है, अंतिम 2 सप्ताहों में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का माह लगभग 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक, यहां पर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित अचानक से आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यहां सूर्यदेव का पूजन करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। उपाय हम और भी बताएंगे, अंत तक बने रहेगा, ऐसे कई उपाय आपको बताए जाएंगे, जिन उपायों को करने से निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
यहाँ सूर्य देव की आराधना करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। सरकारी क्षेत्रों की तैयारियां कर रहे हैं तो उनमें कुछ हद तक सफलताएं भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं मई की बात करें तो मई में सूर्यदेव आठवें भाव में होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव में होंगे और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित यहां आपको लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे जातक जिन जो विवाह योग्य है और साथ ही ऐसे जातक जो विवाह के योग्य है, विवाह में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा था तो यहां आपको कुछ लाभ जरूर होता हुआ नजर आएगा, कुछ लाभ जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य होंगे, पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास रह सकती है, इसलिए यहां सतर्क सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे। परिवार व कुटुंब का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जून की बात करें, जून माह में आपके लिए मध्यम माह रहेगा। 15 जून के बाद कुछ भाग्योदय स्थिति आपके लिए जरूर मिलेगी, भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और भाग्य से कई कार्य आपके चमकेंगे। निश्चित ही अंतिम दो सप्ताह विशेष लाभ देने वाले रहेंगे। जुलाई की बात करें, जुलाई के माह में तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की स्थिति बनेगी। यदि आप सरकारी सेवाओं में हैं तो विशेष लाभ व पदोन्नति की स्थिति आपके लिए बन रही है। यहाँ लाभ तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से आपको स्थानांतरण भी करना पड़ सकता है। स्थानांतरण आपके पक्ष में होगा तो यहाँ स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। यदि आप स्थानांतरण करना चाहते हैं, नौकरी जॉब कार्य क्षेत्र परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। पिता का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, कुटुंब का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। जुलाई की बात करें तो जुलाई के माह में प्रथम दो सप्ताह विशेष लाभ, अंतिम दो सप्ताहों में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। लगभग 15 से 16 जुलाई से लेकर के अगस्त 16-17 तारीख तक आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। सूर्यदेव स्वग्रही होंगे, कहीं ना कहीं लाभ तो होगा, लेकिन यहां पर ऐसी स्थितियां जरूर बन रही हैं जब तुला राशि के जातक यदि सावधानी न बरतें तो कहीं ना कहीं कारावास इत्यादि के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि आप परिश्रम से आय नहीं कमाते, आय आपकी यानी धनार्जन आप किसी गलत मार्ग से करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ स्थितियां जोखिम भरी हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान जरूर रहेगा। अगस्त के माह में भी यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा और ऐसे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित ही ये मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण हो सकती है। सितंबर की बात करें तो अंतिम दो सप्ताह आपके लिए अच्छे रहेंगे। प्रथम दो सप्ताहों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, कुटुंब के सहयोग को लेकर के और संतान से संबंधित और संतति से संबंधित सतर्कता सावधानी जरूर बरतेगा। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में सूर्यदेव की नीच स्थिति रहेगी आपकी राशि पर। 30 अक्टूबर तक केतु और सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा, यहां विशेष रूप से सतर्क सावधान रहेगा। ऐसे जातक जिनको छाती से संबंधित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं, उनकी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको पहले से ही कोई दिक्कतें हैं तो वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में बाधाएं और रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस मामले में यहां आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर के माह में तुला राशि के जातकों के लिए प्रथम दो सप्ताह वही स्थिति रहेगी, लेकिन अंतिम दो सप्ताहों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। मित्रवत राशि में सूर्यदेव होंगे और कुटुंब व परिवार का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नवंबर का अंतिम जो सप्ताह है उसमें अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। दिसंबर में ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, अति सर्वत्र वर्जय अत्यधिक आत्मविश्वास से आपको जरूर बचना चाहिए। आत्मविश्वास हो लेकिन उसी आत्मविश्वास से आपका कार्य बने, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचेगा, कार्य क्षेत्रों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यदि आप तुला राशि की जातिकाएं हैं, स्त्री वर्ग गर्भ से हैं, तो विशेष रूप से सतर्क सावधान रहेगा। यहां पर शनिदेव स्थित है, अपनी ही राशि के हैं लेकिन गर्भ से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। सतर्कता सावधानी के साथ रहिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कौन से चार माह हैं आपके लिए जो विशेष लाभप्रद रहेंगे, तो तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी, अप्रैल, नवंबर और दिसंबर का माह लाभप्रद माह रहेंगे, निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा इन चार माहों में। वहीं जनवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है
और शेष चार माह आपके लिए सामान्य माह रहेंगे। क्या उपाय करें जिनसे तुला राशि के जातकों के कष्ट कम हो और आप भी सुखी व सानंद जीवन जी सके। सबसे पहले केतु आपके लग्न में स्थित है और सातवें भाव में राहु स्थित है, ऐसी स्थिति में केतु व राहु की शांति जरूर करवाएगा। 30 अक्टूबर तक रहेंगे लगभग पूरे वर्ष, इनका पूजन करवा के इनसे संबंधित दान करिए, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। जितना आप माँ भगवती को प्रसन्न रखेंगे उतना ही आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता रहेगा, तो दुर्गार्चन जरूर करिएगा। हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में जाकर के, जो भी आपके क्षेत्र में लक्ष्मी मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, हर शुक्रवार को वहां कुछ न कुछ श्वेत वस्तुओं का दान जरूर करिएगा और मां भगवती को एक कमल का पुष्प अर्पण अवश्य करिएगा। वर्ष 2023 आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और व्यक्तिगत जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए व समस्त मुहूर्तों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे।